नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल करने का फैसला वापस नहीं लिया, लिहाजा शुक्रवार को देश भर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल से बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसी जरूरी सेवाओं पर खासा असर देखा जा रहा है। हड़ताल करने वाले लोगों का आरोप है कि सरकार मजदूर विरोधी नीतियां बना रही है। हड़ताल के कारण बैंक, सरकारी दफ्तर और फैक्ट्रियां बंद है। रेलवे कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन ट्रेनों को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल ना करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने उनकी बातें मान ली हैं। कोल इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिस कारण पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों की नर्सों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है, जिस कारण मेडिकल सुविधाओं पर असर पड़ेगा। हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में करीब 18 करोड़ श्रमिक हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 करने, न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 समेत 12 मांगों को लेकर की जा रही है। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।